देखिए तो जो है कि 2020 का क्वेश्चन है और प्रथम पाली है 2020 T20 है कि नहीं 2020 है तो 2020 का प्रथम पाली है फर्स्ट सिटी साठ क्वेश्चन है तो देखिए कितना का सोल्व हो पाता है फिलहाल तो देखिए फर्स्ट सिटिंग का सवाल है और इस तरह से हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखिए सवाल क्या है, कह रहा है यदि ये घनाभ की लंबाई एल है और ऊंचाई कती है बी है, सॉरी चौड़ाई कती है बी है और ऊंचाई कती है एच है तो घनाभ के आयतन लात गुने बात गुने हाथ, बात समझ में आता कि ना सीधे घनाभ के आयतन पूछ लक, घनाभ के आयतन पूछ लक तो लात गुने बात गुने हाथ मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कोई दिक्कत है घनाभ कथी है घनाभ है एकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देवा आयतन पूछ दे तो लात गुने बात गुने हाथ मतलब एल बी एच घनाभ के आयतन घनाभ घनाभ के आयतन एल से लंबाई बी से चौड़ाई एच से ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लतिहनवा चौक गुने हाथ है कि नहीं। हाँ तो याद रखिए, अब इसके साथ एक चीज रिविजन कर लेते कि इसके साथ सूत्र और क्या लगता है, ठीक है। वीडियो जरूर देखिए, वीडियो नहीं देखिएगा तो सीडियो कैसे बनिएगा है कि ना। देखिए तो आयत घनाभ का हो गया क्षेत्रफल, अब कथे पूछ दिया मान लीजिए घनाभ का, देखिए ऐसा सवाल नहीं पूछता है घनाभ का झंझट होता है ना तो नहीं पूछता है, झंझट है घनाभ के क्षेत्रफल झंझट है, झंझट कथी है तो इसमें दू गो लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई ये सब रहता है इसीलिए नहीं पूछता है, नहीं पूछता है एल बी एच है कितना सुंदर लात गुने बात गुने हाथ ऐसे अलग बात है इसलिए नहीं पूछता है। एच एल कहा चाहे एल एच कहो तो बात है, अगर कहीं कह दो कमरे का क्षेत्रफल पूछिए कमरे का क्षेत्रफल तो 2 × L प्लस कथी हो जाता है बी इंटू एच, आप कहीं कह दिया छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल तो छत कथी होता है कार्य में होता है जी तो एल बी एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एल गुने बी कह एल बी एच कह बात हो तो हुए ठीक है यही हो गया। अब एक संगे संगे घन का घन घनों का तो पढ़ लेवल जरूरी बा, घनों के तो पढ़ल जरूरी है पढ़ा देते हैं टाइम होके देखेला वीडियो तब नु, टाइम होके वीडियो पर देखेला तब नु ना, भेजला के बाद लोग देखते नहीं के वीडियो चलो कथी बा घन हवे कथी हवे घन हवे एकरो मतलब घन का क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल ऐसा बुझा तो लड़का सब वीडियो देखिए तो हमारा पैसा मिले रे बुढ़ला बड़ा छः गुने भूजा स्क्वायर कथी होता है भूजा स्क्वायर घन का आयतन भूजा के क्यूब तीन में भूजा खा लिए जाके पोसरा मोह के दुकान में ठीक है भूजा क्यूब मतलब तीन बार भूजा है कि नहीं तीन गुने तीन बार भूजा के गुना कर दे बता आंसर आ जाए। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल सॉरी पार्श्व गलत लिख दिए हम पार्श्व ऐसे लिख गलत है हाँ अब सही से पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ठीक है तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए होता क्या है चार गुने भुजा स्क्वायर कह देता बाबू चार गुने भुजा स्क्वायर कभी कभी इसी को कहता है घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल
के क्षेत्रफल। तो चिंता नहीं करना बाबू, यही चीजवा होता है, ठीक है, यही चीजवा होता है। ई कहे तो ई है, ई कहे तो ई है, दोनों में बतवा हुए है। बस समझ में आ रहा, अभी एक गो क्वेश्चन पढ़े हम, ठीक है, क्वेश्चन अभी एक गो है। लोग लगे कितना देर मास्टर वा घींच रहे है कि नहीं। आगे देखिए बाबू, सब रिविजन हो रहा है आपका। अरे देखिए, अब जो घन का जो क्षेत्रफल हो गया, तो घन का विकर्ण नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता विकर्ण, घन का विकर्ण वीडियो में दिख रहा है, देखिए तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा हिलने आ जाते हैं, दिख रहा है घन का विकर्ण। देखिए बाबू, इसका होता क्या है, भूजा तो बाहर चला गया और रूट थ्री अंदर रह गया, ठीक है। अब सुनिए, अब हेकरा भी कहे नहीं पढ़िएगा, हेकरो पढ़ लीजिए, हेकरो विकर्ण तो होता होगा। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण होता है। अतः रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बाबू कभी कभी सवाल कर लेता है कि कमरा का क्षेत्रफल, कमरा का मतलब वो कमरा में कितना लंबा बांस रखा जा सकता है, ठीक है, कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो कैसे रखा जाएगा, हो ऐसा ही ना रखा जाएगा लंबा का बांस बा है, ऐसा ही ना रखा जाएगा जी। तो है लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, वो ऊंचाई हो गया, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। बांस के लंबाई पूछे तो ये लगा दीजिएगा, अब विकर्ण पूछे तो ये लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक। अगला वीडियो देखिए, मतलब अगला सवाल, ठीक है। देखिए कई नंबर सवाल है, कह रहा है टेन दस टेन पंद्रह टेन पचहत्तर टेन मतलब अस्सी, ऐसा बात कहे तो छोड़ दिया काशी, आंसर मार दिया एक गुना में बस, सब एक मार दो कथी में बा गुना में बनू, तो एक होबे करी, बदलबे ना करी मान, एक होबे कर ले मान ऊपर, ठीक है, उसका मान एक होबे करता है, बदलते ही नहीं, गुना में है ना जी। तो गुना वाला काम में तो है कि नहीं है, एक होता है, बदलता नहीं है। अब सुनिए दूसरा बात, एक नंबर हो गया, काहे गुना में एक होता है बताते हैं आपको, ठीक है, देख लीजिए। अगर कहिएगा कि ऐसे ही बोल देना से थोड़ी एक हो जाए, कह के देखा हो तो हम जो देखा देते हैं। वीडियो भेजा जाता है जय बजे रात के भेजा जाए, अगर आपका जगे हुए हैं तो उठ के देख लीजिए। सबसे पहला काम बताइए कि वीडियो देखना है, आप जय बजे रात को उठ, आपके पास जय बजे रात को सीन भेजा गया, आप अगर गलती से आपका नींद टूटा हुआ है सीन कर लिए, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब उतना बस देखने के बाद सोइए, अगर रात में जा रहा है तो देखने के बाद, हम 2 बजे रात को उठ के वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो आप 2 बजे रात को उठ के पढ़ नहीं सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको भेजा जा रहा है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, तो उठ जाइए, काइंडली रिक्वेस्ट है कि देखिए। अब 1.5 महीना नहीं खे बाचल, अब 1.5 महीना खत्म हो चुका है, अब तो वही दिनों में से कुछ कम हो गए, 17-17 के फॉर्मूला आ जाएगा, 17 आज 18 कम हो गए, होगा कि ना होगा, फिर कह अब का कहे के चाहता आलो के। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये एक कैसे होगा, तो देखिए 15 का 75 आई टाइम बदल जाएगा कथी में, बदल जाएगा कॉट में, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कथी होता है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अब 10 के 80 तो 10 को 80 को 90 को होता है, तो यो टेन कॉट कथी में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, कोई एक बदलिएगा ना जी, कोई एक बदलिएगा ना, एक बदलिए तो 10 इंटू कॉट हो जाएगा तो 90, फिर मतलब सेम हो जाएगा तो कट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यू मान लीजिए 10-80 कर देता है, कॉट 80 तो यू कॉट 10-80 है, तो 10 इंटू कॉट थीटा तो कट होता है, एक होता है ना, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा के मान क्या बताए हैं, एक वीडियो बना के भेज दिए हैं, ग्रुप में है, पर्सनल नंबर पर भी भेजे हैं, चैनल पर भी है, जरूर देखिए सारे सूत्र का सवाल, उसका व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, 58 लोग देख लिया उसको, हाँ बहुत चल रहा है वो सूत्र वाला वीडियो, नया लड़का मिल रहा है उसको भी जोड़िए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, गुना देखिए ना, आंख मुन के गुना देखिए ना, गुना आंख मार, आंख मुन के, आंख मार के ना, आंख मुन के
एक मार लीजिएगा, है कि नहीं, एक आंख मुंद के मार लीजिएगा। हाँ, अगर इसमें जोड़ जाड़ होके अगर एगो हेने होके दूगो आ दूगो हेने होके आ जोड़ होके बीच में तो तेका रुकिए, तेका रुकिए आ सोचिए, एगो एगो दूगो, अगर है बीचो में जोड़ होके तो आ तीनों बार घूना चारों का कथी बार घूना तो कथी लिख दे मोकरा के एक। आ अगर पहतनी कहीं जीरो रो माइनस रह गए तो हेकर एक आ हेकर एक आ एक एक करके कितना बोले आ कहीं ही वा माइनस आ ही वा दू आ ही वा एके रह गए तो फिर वो तब कथी आई एक कथी आई एके आई एके रू आई कहे कि हेतना के तो एक हो गए आ दू तो दू तो दू गुने एक तो दू आ दू में से एक गए तो कितना बचते एक। बात समझ में आता वीडियो पूरा देखिए समझ में जरूर आएगा। लाख चिला चिला के कहत नहीं अब ना देखबो तो हम कथी करब। चलो कहत द्विभाघात बहुपद कौन है इसमें द्विघात न कह रहा है वो तो इसका बी हो जाएगा जे पर स्क्वायर हो तो ना द्विघात होगा तो इसका बी हो जाएगा ठीक है। मतलब द्विघात क्या बोले वो क्यू कहीं से नहीं कटने वाला है देख लीजिए दो के पावर क्यू है हैं वो क्यू कटने वाला है कहीं से चलिए तो देखिए तो तीन नंबर का तो हो जाएगा ए। चार नंबर क्वेश्चन देखिए एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है मतलब त्रिज्या समान है उसकी ऊंचाई ऊंचाई भी कथी है समान है तो दोनों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा एक अनुपात मतलब देखिए अब दोनों का अनुपात समान हो जाएगा ठीक है। अनुपात देखिए बाबू बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना और शंकु का आयतन क्या होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच तो दोनों तो सेम होता है कट गए हर तीनवा कहाँ चल जाए ऊपर उठ के ऊपर जाके बैठ जाए तो की अनुपात एक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं जो नेक्स्ट सवाल देखिए एक अक्ष पर जो बिंदु इतना और इतना का समान दूरी पर है तो बिंदु निकालना है ना तो कोई बात नहीं एक अक्ष तो जीरो हो जाएगा एक अक्ष पर एक्स का मान तो रहेगा लेकिन वाई का मान कैसे हो जाएगा जीरो तो पांच में से देखिए जैसे बाबू यहाँ सुनिए कोई बड़ा इशू नहीं है सवाल बड़ा नहीं है देखिए सवाल बड़ा नहीं है आराम से सब सकता है देखिए यहाँ देखिए इसके क्या कह रहे हैं इतना मत सोचिए ये देखिए ये पॉइंट को देखिए बस केवल ये पॉइंट को देखिए और ये पॉइंट जो दे रखा है कितना दे रखा है एक ए दे रखा है माइनस वन जीरो है ना और बी दे रखा है पांच पांच जीरो और ये मध्य बिंदु है कदी बाबू मध्य बिंदु पी तो इसी का मान निकालना है ठीक है तो हमारा तो है तो हमेशा जीरो बता के निकालना जरूरी बा जीरो में जीरो से भागा देवे तो कथी है जीरो तो चलो पांच आ माइनस एक बटा दू तो चार बटा दू आगे कितना कोई दिक्कत तो यहाँ गया दू जीरो कोई दिक्कत आगे देखिए चलिए अब देखिए साइन नब्बे माइनस थीटा है साइन नब्बे माइनस थीटा बाबू साइन नब्बे माइनस अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा कैसे हो जाएगा कॉस अपने नजदीकी कस्टमर के ऐसे लोग जुड़ता है याद रखिए ये बहुत सुंदर बात है ये मेरा एक बात ना बहुत सुंदर बात है नजदीकी कस्टमर केयर से संपर्क करिए आपका काम हो जाएगा पता ही नहीं कहता है एकदम नजदीकी कस्टमर केयर से काम करिए एकदम हो जाएगा। और चलिए हम नजदीकी कस्टमर केयर से जो जो बात जुड़े हुए हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कर ले चलिए कर लिए लेते हैं छोड़ेंगे थोड़े चलिए अब देखिए नजदीकी कस्टमर केयर में कॉल पड़ता है साइन पूछ देता कभी कॉस नहीं पूछेगा काबूगा पूछ सकता है तो कह जाएगा कॉस थीटा नजदीकी कस्टमर केयर से जुड़ने का फायदा बताते हैं आपको। एक्चुअली यहाँ अगर कॉस थीटा है कॉस नब्बे माइनस अगर थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा फिर नजदीकी कस्टमर केयर के पास जाएगा कोई भी व्यक्ति कहीं भी जुड़ेगा
दूर थोड़ा जुड़े तो कहते जाएगा कौर ठीटा कौन ठीटा कौर ठीटा अहिमा अगर कट होके तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा अहिमा अगर होके सेक थीटा तो अपना नजदीकी कस्टमर केयर कौन है कौशे थीटा नजदीकी कस्टमर केयर नहीं मिलेगा तब ना दूर वाला जाएंगे जी अगर मोतिहार लखावड़ा ना मिलेगा तब ना मोतिहारी जाएंगे अब कुछ लोग मोतिहारी चल जाता है काम पूरा हो जाता है यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू अब कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है तो तीन से तीन कट गया तो कई बच जाएगा दो नहीं बच जाएगा जी तो दो रूट तीन बटा रूट तीन अगर है कट गया तो कई बचा दो आ दो कति होता है परिमेय संख्या होता है अब परिमेय संख्या के आया तो परिमेय संख्या से जुड़ी सारी बात जान लीजिए परिमेय के नीचे जीरो रहता है जीरो के नीचे अगर ही है तो परिमेय संख्या है जीरो के नीचे एक है तो परिमेय संख्या है लेकिन अगर एक के नीचे जीरो है तो परिमेय संख्या नहीं है नहीं है नहीं है ठीक है कथी है नहीं है अब सुनिए गिनती के सभी संख्या परिमेय संख्या होता है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सब परिमेय संख्या गिनती के सभी संख्या कथी है परिमेय संख्या रूट में रहने वाला सभी संख्या कथी है अपरिमेय संख्या रूट में रहने वाला सभी संख्या अपरिमेय संख्या है बस अतः उसका कथी नहीं निकलना चाहिए वर्ग नहीं निकलना चाहिए जैसे रूट में तो चारों रहता है लेकिन इसको रोक सकता है कोई का नहीं रोक सकता है हम आपको पढ़ा रहे हैं हम कह रहे हैं कि 30 दिन 15 घंटा पढ़िए सारा दुनिया दीवाना छोड़ दीजिए मान जाइएगा का हई कही तो नहीं मनब हई कही तो मनब हमारा कला से ना हो हम कितनो सरकार कितनो नियम बनाए सरकार दारू ना बंद कर दिया है का है बंद किया है कि नहीं किया है दारू मिलता है नहीं मिलता है लेकिन कहवा नहीं मिलता है तो ये ना बताओ हमारा के कहवा नहीं मिलता है ये बताओ कागज कह रहा है कि दारू बिहार में नहीं मिलता है लेकिन कहाँ नहीं मिलता है ये बताओ जहाँ चाहिए वो तो ही मिलता है जय रुपये चाहिए तो रुपये मिलता है 20 रुपये वाला बा 40 रुपये वाला बा 150 वाला बा 200 वाला है कि नहीं इसीलिए नियम खुद बनाइए और उस नियम पे खुद रुकिए केकरो नियम के बनाला से कोई आज तक रुका है केकरो बाप के बनाला से नियम बाबू रात दिन में मोबाइल छीन तू रात में मोबाइल से चुरा कर लिया लेबे ले लेबे कि ना लिया लेबे बाबू छीन लग दिन में मोबाइल के बेटा पढ़ी भी है तो बाबू को सुत रहा जाकर लौसी ने मोबाइल उठा के चल आ रात में फिर बाबू जब जैसे भोर में 4 बजे उठा ले पहले लिया के दस दे अब बात बोला बाबू तो नियम लगे लग छीने के मोबाइल उस दिन में छीनिए लेते रह लग बात सुनिए सुधरना आपको है हमारे सुधरने से आप सुधरने वाले तो है नहीं आप सुधरिए अपने आप सुधर जाइएगा ठीक है किसी के सुधरने से 3 महीना है अभी अभी आपके देखा जाए तो हमारे हिसाब से कई महीना है 5 महीना है एग्जाम अभी एग्जाम में 5 महीना दिन है 15 घंटा पढ़िएगा तो आराम से सारा विषय वस्तु को रटा जा सकता है पूरा ऑब्जेक्टिव कंठागर किया जा सकता है क्वेश्चन बैंक का और मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन बैक कर रटा जा सकता है इसलिए ध्यान रखिए पढ़ाई करिए पढ़ाई में सबसे सारा शक्ति है बाबू पढ़िए चुपचाप पढ़िए ठीक है ये सब दुनिया दीवाना वाला बात छोड़ दीजिए ना तो बाद में मास्टर के गरी आइएगा वो वाला बात ना करिए पढ़ाई करिए चलिए है देखिए हाई पूछ दिया कि सेक बराबर कह दिया बाबू सेक थीटा बराबर कह दिया 13/12 तो 13/12 कह दिया ना तो कथी हो गया बाबू एच ऊपर जो होता है सेक में जो होता है बी अब बी और एच पता चल गया तो 12 को 13 को 7 को नहीं होता है रे 7 को होता है कि नहीं होता है क्या होता है 5 को 12 को हाँ 12 को हाँ सॉरी 5 को होता है 12 को 13 को क्या होता है 5 को अब सुनिए कैसे 5 को होता है तो देखिए हिमा से निकालेंगे अब हमको पीना निकालना है तो देखिए तो 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर तो 12 क्या होता है 169 और 144 होता है ठीक है तो 25 आ गया 25 5 का स्क्वायर होता है स्क्वायर से रूट खत्म बराबर 5 क्लियर समझ में आ गया कि ना आ गया यानी कि पी बराबर कितना आया 5
पी बराबर कितना आया पांच। अब कहता कॉट कथी होता है, कॉट थीटा कथी होता है, तो ये आपके मन में आना चाहिए। अगर आपके मन में नहीं आएगा ना तब तक नहीं बना पाइएगा, आपके मन में आना चाहिए। कथी होता है बी बटा पी। अब बी कितना आया बाबू, बी कितना ही वहाँ बारह है, तो बारह रखिए। अब पी कितना आया, बी कितना है बारह, सॉरी बी है बारह, सॉरी यहाँ पे रखिए, हाँ पांच है, पांच है बारह बाई पांच, क्योंकि हमारा पी आया है पांच, ऑलरेडी बारह यहाँ पे है। पढ़ लीजिए, समय है पढ़ लीजिए, अभी तीस दिन है, बहुत ज्यादा दिन है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, काफी ज्यादा दिन है। ना पढ़े वाला तो वीडियो तो ग्रुप में देता नहीं, लेकिन कुछ लोग के पोते नहीं के चलो जी हमारा क्या करे के बाद लाइफ में। चलिए बाबू नौ नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है चार है, तीन चार है, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, वही बात वाला, वही वाली बात हो गई। अब सुनिए, अब है सुनिए बाबू, कह दिया ही है और ही है, ठीक है। तो कहता अब सुनो बाबू, अब हम इसको लिखेंगे नहीं, जब हम एग्जाम देंगे बोर्ड का तो हम लिखेंगे, हम तो लिख दे रहे हैं, लेकिन आप मत लिखिएगा, आप कभी मत इसको लिखिए, इसमें टाइम मत लिखने में, टाइम मत जान करिए, कभी मत लिखिए, आप टाइम मत जान करिए लिखने में। ऐसा सवाल मध्य बिंदु कह दिया, तो टाइम मत जान करिए लिखने में, सवाल को उड़ा दीजिए। देखिए क्या कह दिया, मध्य बिंदु निकालना, ये निकालना है ना जी, तो ई वाला जोड़िए तीन गो में से जीरो में, माइनस तीन गो कै गो बा, माइनस बा प्लस बा, और तीन तीन तो जीरो, कथी हो गए जीरो, जीरो में भाग रहेगा दूसरे तो जीरो में नई हाई, आठ गो बा हाई चार गो बा, तो बारह गो हो गए, आठ गो चार गो बारह गो दू से उड़ा देनी, छ आ गए आंसर हो गए, उड़ गया कि ना उड़ गया। अब इसका सूत्र पूछिएगा, तो सूत्र हम आपके रिवीजन करवा देते हैं ना, एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू, मध्य बिंदु निकाले का सूत्र है ये, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू बटा कथी टू, ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है, उड़ा दीजिए, मध्य बिंदु निकालने का ट्रिक है ये, मध्य बिंदु सूत्र है, ठीक है। और ये जो हम अभी आपको बताए तो लिखने की जरूरत नहीं है, सवाले से देख के उड़ा दीजिए, सवाले में देख के उड़ा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कहा था कि प्रायिकता नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, मैं पहले ही बता, अच्छा वो उसके पहले वो सवाल छूट गया, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दुई गो खींचे जा सकल है कि ना, एगो बिंदु बा आ दू गो, एगो अनार बा, बीमार कितना दुनिया हुई, तो एक गो दुनिया हुई, दुए गो ज्यादा ज्यादा हुई, तो अब एगो सिम में दू गो मोबाइल नंबर चल जाये, आ तीन गो रखो तो चली, एगो मोबाइल में दू गो सिम चल जाये, कैसे तो जैसे फूल बीजी बताई तो कह पूछी का किसका फूल आया था, तो कह दे मौसी को लख है कि ना, मौसी को ले लख, बीजी लख, मौसी लख, माई लख, दाई लख, नानी बतिया लख, ये सब बहाना है। आ तीन तीन गो रखिएगा तो ऊंच ऊंच फून आई तो कहो कौन घर लगा, वो कौन लगा, तो कैसे कैसे काम चलेगा, एगो दू गो, एक मोबाइल में दुए गो सिम चला ले, दू चलता है, आजकल सब लोग दू गो सिम चला रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग के दू गो सिम चलता है, बस समझ गए, समझदार लोग इशारा काफी है, दू गो सिम जरूर चलता है। चलिए है पी हो गया, है क्यू हो गया, है आर हो गया, ठीक है, तो है पी हो गया, क्यू हो गया, तो कई गो रेखा हो सकता है बाबू, दू गो, कई गो रेखा हो सकता है दू गो, ठीक है। आगे देखिए बाबू, यहाँ देखिए कह रहा है प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है, प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब इसमें से जितना बात आता है उतना रिविजन कर लीजिए, जितना बात आता है उतना रिविजन कर लीजिए। अब उतना बात क्या है, तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता है, प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, प्रायिकता जीरो से कम नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता है प्रायिकता, और क्या नहीं हो सकता है, निश्चित घटना का प्रायिकता क्या हो सकता है, एक होता है होगा ना, निश्चित घटना का प्रायिकता क्या हो सकता है, एक, प्रायिकता क्या हो सकता है, असंभव घटना का प्रायिकता क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, शून्य कहिए चाहे जीरो कहिए, बातवा हुए है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या का मोषक कितना होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोषक, तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या दुई होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, दू, काम घर है, और दू में दू से भाग लगा तो कट गया, दू से दू खत्म, अभाज्य संख्या एचसीएफ कितना है, दो, कोई दिक्कत,
आओ तो वीडियो में आगे देखिए। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है एक धातु का घन किसी भुजा के 1 सेंटीमीटर से खींचकर 4 mm का व्यास का तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगा? चलिए देखिए, भुजा 1 सेंटीमीटर है, 13 नंबर क्वेश्चन है। भुजा कितना है? भुजा दिया है घन का 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, और इसका मतलब जो दिया रखा है। चलिए बाबू, अब इसको कह क्या, अरे यहाँ देखो, बात मत करो, देखो जी, अब यहाँ 1 सेंटीमीटर भुजा दिया है, 1 सेंटीमीटर, और जो बेला का तार लंबा हो रहा है, तार लंबा होता है, तो तार लंबा है तो व्यास हो गया, मतलब बेलन हो गया कि नहीं हो गया, तो तार लंबा है तो बेलन हो गया, तो इसका व्यास दिया है 4 mm, व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या होगा? 2 mm हो गया कि नहीं हो गया? दूसरे भागा देंगे ना, क्या होता है, आर बराबर डी बाई 2 होता है, दूसरे भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। अब mm में है तो यहाँ पर हमारा एक होती है cm में, इसको cm में बदल लेंगे, तो 2/10 कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको काट देते 1/5 हो जाएगा। अब चलिए हिमा निकाल लीजिए, तो घन का आयतन, कथी का आयतन, घन के आयतन बराबर बेलन के आयतन, बेलन के आयतन। चलिए इसका ए क्यू होता है बराबर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ए क्यू का मान 1 यहाँ पे रख देंगे, क्यू पाई रख देंगे, आर का मान 1 रख देंगे, आर का मान कितना आया, 1/2 आया, 1/5 ना, 5 स्क्वायर एच, तो ये क्या हो जाएगा, पाई एच 25, तो है तो गेल होने, तो यहाँ 25 आ गए, आ गए आई गुना में तो भाई हो जाएगी, तो भागा में तो पाई बट एच बराबर कितना गया, 25/5 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि मतलब 1 + tan² θ, 1 + tan² θ, तो क्या हो जाएगा, 6² θ। अब इसका रिविजन कर लीजिए, तो हम बनाए थे वीडियो, तो उसमें 6² θ माइनस 10² θ था, 10² θ कहीं नहीं, तो 1 होता है, क्या होता है, 1, तो इस प्लस हो जाएगा, कट हो जाएगा माइनस, तब 6² θ आप प्लस 1 + कति 10² θ, कभी इधर जाएगा माइनस, कभी इधर माइनस में जाएगा, तो 10² θ बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 6² θ - 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आराम से इसका रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। कई नंबर तक पहुंचे, 14। अब देखिए कह रहा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का योग होता है, तो उसके परिणाम परिमापों का योग, परिणाम परिमाणों का योग पूछ रहा है बाबू, अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए इसमें कितना दिया है आंसर, आंसर दिया हुआ 4:3 दिया है, 9:9 आंसर इतना दिया है, ये क्षेत्रफल तो नहीं कह रहा है, परिमापों का है तो परिमाप भुजा ही होता है, बट आप देख लीजिए एक बार, इतने हैं 9:16, ठीक है, चलिए रहने दीजिए।